बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सपोज प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। PIC का वाकया लाहौर में बड़ी शर्मिंदगी का वाकया, हमारे सर शर्म से झुक गए। काले कोट वालों ने सफेद कोट वालों पर धावा बोल दिया। बिल्कुल ये धावा ही तो था। जो कैफियत हमने देखी वो तो एक ऐसी कैफियत थी जिसमें महसूस हो रहा था कि हम लोग कोई कबायली जंग की तरफ जा रहे हैं या कोई कबायली जंगें लड़ी जा रही हैं। मेरा ताल्लुक सिंध से है, यहाँ पर ट्राइब्स के भी बड़े जो है वो मैंने झगड़े देखे हैं, दो दो तीन तीन माह तक जो है तवील अरसे तक वो चलते हैं और काफ़ी लोग उसमें जो है वो हलाक भी होते हैं और काफ़ी ट्राइब का नुकसान भी होता है। लेकिन ये जो लाहौर में हुआ वो तो जंगल का कानून भी इस तरह नहीं कहता, जंगी कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम दिल के वार्ड पर जो है वो इमरजेंसी वार्ड पर हमला कर दें और उस हमले में जो है वो हम जो है वो मरीजों के मास्क उतार दें, उनकी जो है वो ऑपरेशन थिएटर में जो है वो सिसकते मरीजों को जो डॉक्टर छोड़कर भाग रहे थे। इस किस्म के वाकयात का तो एक नेशन, मेरे ख्याल में हमारा अलमिया ये है कि लोग भी कहते हैं और हम भी बार बार इस बात का इजहार करते हैं कि हमारे कई अलमिये हैं। हमारा एक अलमिया तो ये है कि हमें नेशन बनने ही नहीं दिया गया। चलो मान लिया कि हमें नेशन बनने ही नहीं दिया गया, हम इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि हम एक लश्कर हैं। चलो ये बात भी मान लेते हैं कि हम एक हुजूम हैं, तो क्या हुजूम जो है वो इस तरह अटैक करेगा कि जो है वो मरीजों को भी नहीं छोड़ेगा और सिसकते हुए मरीजों की जान लेने पर तुल जाएगा? मुझे हैरत हो रही थी कि बार एसोसिएशंस के सीनियर तरीन वकला, जो बार एसोसिएशंस के नुमाइंदा है, जिन पर पूरी कौम जो है वो आंखें लगाए बैठी होती हैं, ख़ासतौर पर साइलिन अपने जो है वो केसेस के हवाले से, इंसाफ के हवाले से कि ये कोई हमें रिलीफ फराम कर सकेंगे, रिलीफ दिलवा सकेंगे, ये क्या हम देख रहे हैं? ये क्या सूरत हाल थी कि जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया, पूरी कौम मुतासर हुई? ये लाहौर का वाकया नहीं है, लाहौर सिर्फ इससे मुतासर नहीं हुआ है, पूरे मुल्क में एक बेचैनी की फ़ज़ा पैदा हो गई, एक सरासमीगी छा गई और अब वकला अपने तौर पर हड़ताल पर जा रहे हैं और डॉक्टर्स अपने तौर पर एहतजाज पर जा रहे हैं। तो ये जो मंजरनामा दिखाई दे रहा है इसके पीछे कोई साजिश है या कोई कुछ और है, या फिर एक नया मॉडल टाउन बनाने की साजिश जो है वो उस पर अमल दरामद किया जा रहा है? सोचने की बात ये है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां की जिसमें IG और चीफ सेक्रेटरी की भी तब्दीली शामिल थी। ये मेरे ख्याल में ये पहला इम्तिहान था मौजूदा ब्यूरोक्रेसी का और शायद हमारी जो पुरानी पार्टी है जिसको जो है हटाकर PTI ने जो है वो पंजाब पर जो है वो हुक्मरानी की है और हुक्मरानी का हक भी रखती है क्योंकि वहाँ पर लोगों ने जो है वो अब नई तब्दीली के हवाले से 30 साल के पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को वोट दिया, तो उस हवाले से एक तब्दीली पंजाब में जो बहुत से लोग हैं, मैं तो इसको स्टेटस को के खिलाफ मुकम्मल तौर पर जंग करार देता हूँ कि एक कुव्वत वो है जो स्टेटस को बरकरार रखना चाहती है, एक कुव्वत वो है जो स्टेटस को तोड़ना चाहती है। हर 30 साल के बाद हम एज ए नेशन, अगर नेशन न कहें तो लश्कर ना कहें हुजूम, लेकिन एज ए पाकिस्तानी हम हर 30 साल के बाद एक नए इरा में दाखिल होने जाते हैं, हम एक नए इरा में दाखिल हो रहे हैं। ये नया इरा, जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 30 साल के बाद एक नए इरा में दाखिल हो रहे थे और स्टेटस को तोड़कर पुरानी क़यादत लीडरशिप को जो है वो मस्मार करते हुए आगे बढ़कर जो है वो क़यादत संभाल रहे थे पाकिस्तान की, बिल्कुल इमरान खान भी इस पुरानी क़यादतों को जो 30-35 साल से तीन मरतबा वज़ीरे आज़म, 3 मरतबा वज़ीर आला और इतनी बार जो है वो बरसर इंतज़ार रहने के बाद भी इस मुल्क को जिस हालत में छोड़ गए, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, इक्सादी तौर पर, आज जहाँ मुल्क खड़ा हुआ है
उससे जो है वो जो आज पूरी कौम नबर्द आजमा है वो इनकी जो है वो नाइलियों की वजह से हुए कि माजी में इन्होंने मुल्क को बनाने के बजाय मुल्क को लूटा, मुल्क से पैसा बाहर गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये भी एक नया मॉडल टाउन बनाने की साजिश थी और हमारी ब्यूरोक्रेसी, खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी का जो इम्तिहान था, मैं फिर दोबारा उस तरफ आता हूँ कि दो या तीन रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पंजाब में एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ जो है वो अपना रुख किया और ब्यूरोक्रेसी के 1000 के से जायद ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े जो है वो पिलर्स उनको हटाकर नई, अब तो खैर इमरान खान साहब ने अपने इस माइंड को भी चेंज किया होगा, शायद वो ये समझ रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुद काम नहीं कर रही है, उसको जो है वो माजी के जो हुक्मरान हैं वो काम करने नहीं दे रहे, वो उनके साथ मिले हुए हैं। लेकिन अब इस पीआईसी के वाक़े के बाद माइंड चेंज हो गया है, हम सबका माइंड चेंज हो गया है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है, ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो इसमें रुकावट है। खुद ब्यूरोक्रेसी के बड़े पिलर, 5 किलोमीटर का फासला था और ये वकला एक बड़ी तैयारी के साथ आ रहे थे, उस 5 किलोमीटर के फासले को तय करने में भी वक्त लगता है, तो हमारे जो है वो इंतजामिया कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने वाली फोर्सेस वो कहाँ पर मौजूद थी, वो पहले रिपोर्ट्स क्यों नहीं दे रही थी। इस वीडियो को, जिस वीडियो के हवाले से ये सारा मामला जो है वो गड़बड़ हुआ, वो एक डॉक्टर्स की वीडियो थी, उसको दोबारा वायरल करने की जरूरत क्यों पेश आई, ये सारी कड़ियां अगर आप जोड़ें। फिर उससे कबल एक अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो थी कि एक रोज़ कबल इस वाक़े पीआईसी के वाक़े से सानिये से एक रोज़ कबल कोर कमांडर्स इजलास हुआ है जो सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ है और शाम गए तक जो है वो जारी था, जिसके लिए बार बार कहा जा रहा था कि इंतहाई अहम इजलास जो है वो कोर कमांडर्स का जो है वो मुनक्किद हो रहा है। और फिर ऐलान किया गया कि डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब कल जो है वो प्रेस ब्रीफिंग देंगे, तो उस किस्म का वाकया होगा जिसमें जो है वो प्रेस ब्रीफिंग भी जो है वो मुलतवी करना पड़ गई। अगर इन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ें, ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली, इमरान खान साहब का वहाँ आना, बोझदार पर जो है वो सख्ती के साथ कहना कि जब तक जो है वो इमरान खान है, जब तक पीटीआई की हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर यही रहेगा, उसके बाद जो है वो कोर कमांडर इजलास और फिर एक्सटेंशन के मामलात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, उसके बाद जो है वो पीआईसी का वाकया इस मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ है कि उसको, उसकी अगर कड़ियां आप जोड़ें तो आपको एक मुकम्मल साजिश नजर आएगी कि ये एक मुकम्मल साजिश के तहत जो है वो प्री प्लान साजिश थी, जिसके तहत एक नया मॉडल टाउन का सानिया दोहराने की साजिश की जा रही थी ताकि उस पुराने सानिये से तवज्जो हट जाए और इमरान खान पर एक नया इल्ज़ाम आयद हो जाए, मौजूदा हुकूमत पर नया इल्ज़ाम आयद हो जाए और कौम जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जो है वो खत्ते के हवाले से अहम फैसले, जैसे अभी अफगानिस्तान के हवाले से खलील जलमे साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद हुए। और दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो बहुत बेहतर हो गए हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है वो बहुत बड़ा फैसला किया है कि चाइनीज के साथ जो अपने पुराने ताल्लुकात थे उसको रिव्यू किया और चाइना के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर की तरफ आ गए हैं। और बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बरसर इकतदार आ गई, वो पहले ही बरसर इकतदार थी लेकिन अब वाजह अक्सरियत के साथ अब जो है वो बरसर इकतदार आ गई और पार्लियामेंट में उनको जो है वो असेंबली में उनको अक्सरियत हासिल हो गई। तो अब जो है वो दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है, तो हमारे खित्ते में जो तब्दीलियां आ रही थी उस तब्दीलियों को रोकने के हवाले से एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की गई थी। और आप उसको थोड़ा उस पस मंजर में भी देखें कि लंदन प्लान, बार बार जो माजी में भी लंदन प्लान के जो है वो बहुत से जिक्र हुए हैं, लेकिन मैं इस बार भी कहूँगा कि यहाँ से जो लंदन नवाज शरीफ साहब गए तो इनका इलाज तो नहीं हो रहा था, वो घर जाकर बैठ गए और घर से जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जा रहे थे और अपनी टेस्ट करवा रहे थे, लेकिन यहाँ से जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो है वो मरकजी रहनुमा वहाँ पर लंदन बुलाए गए और अहम इजलास मुनक्किद हुआ। और अहम इजलास मुनक्किद होने के बाद जब वो वापस आए तो जो है वो ये वाक़या पीआईसी का वाक़या, अगर इस सारी कड़ियों को जोड़ा जाए तो एक मुकम्मल जो है वो साजिश, और इसको मुकम्मल मैं तो कहूँगा कि ये मुकम्मल लंदन प्लान
जो है वो उसकी जो है वो एक पूरा जो है वो उन्होंने जो सिनारियो बनाकर भेजा था इनको, उस पर अमल दरामद किया जा रहा था। लेकिन जो है वो बड़े मुदब्बराना अंदाज में सारे मामलात को टैकल किया गया और उसको संभाला गया और पुरमन तौर पर ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो कैवल्टीज हुई अंदर, जो अलमनाक सानिया हुआ, जो मरीज वहाँ पर जो है वो जिनको तकलीफ़ आई और वो जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, वो सानियात इतने जो है वो शदीद दुख वाले हैं कि जिनका लफ्ज़ों में इजहार भी नहीं किया जा सकता। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं एतजाज एहसन साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस हवाले से कि उन्होंने एक पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा होते हुए भी बहुत गैर जानबदाराना अंदाज में तबसरे किए और बहुत ज़बरदस्त पूरी कौम पूरी नेशन ने उसको सराहा है कि जो है वो इस तरह होता है। अगर आपकी वकला बरदरी जो है वो कोई ज्यादती करे काले कोट पहन कर, तो क्या आप उसको जो है वो लाइसेंस टू किल का सर्टिफिकेट दे देंगे? माजी में फैसलाबाद में भी ये हुआ था, जो है वो साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार साहब की तकरीर है कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म का माशरा है, ये कैसे जो है वो वकला हैं जो जजों को मार रहे हैं। तो अब जजों से हटकर अब जो है वो वकला डॉक्टर्स को मार रहे हैं। तो ये जो है वो एक इंतशार की कैफियत पैदा करने की साजिश है, जो कि पूरी दुनिया में जिस तरह इंतशार पैदा किया जा रहा है, ख़ास तौर पर इराक में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है जो साजिश और शाम में जिस तरह हो रहा है, उसी तरह पाकिस्तान को शाम बनाने की कोशिश की जा रही है, लबनान बनाने की कोशिश की जा रही है, अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसके सिरे बहुत दूर तक जाते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे बहुत ज़रूरी था कि एक तो उनके लवायकीन के साथ हमदर्दी का इज़हार किया जाए। हम लफ्ज़ों में हमदर्दी तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत दुख हुआ है। एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी, हम जिस कर्ब से गुजरे हैं वो उसका कर्ब को वही लोग समझ सकते हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।